आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे हिंदुस्तान में काफी ज्यादा पावर कट है और बिजली की काफी शॉर्टेज है। आज भारत में जितनी बिजली बनती है उससे करीब 5 गुना और बिजली बने तो हमारे हिंदुस्तान में बिजली की कमी दूर हो, और जो बिजली की कमी है उसको हम दूर नहीं कर सकते। और गांवों में तो इतने ज्यादा पावर कट है कि वहाँ इन्वर्टर भी फेल है। पहले के जमाने में काफी संख्या में लालटेन प्रचलित थी, आजकल लालटेन का प्रचलन खत्म हो गया है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप में एक सस्ती जुगाड़ू लालटेन बना सकते हैं। इसके लिए हम एक बोतल लेते हैं जो कांच की होती है, और कांच की बोतल को अच्छी तरह धोकर साफ कर लेते हैं। साथ में उसके ऊपर लगे लेबल को, स्टिकर को हम एक चक्कू की मदद से पानी में गीला करके धीरे धीरे साफ कर लेते हैं, ताकि उसके ऊपर हमें वो बोतल क्लियर दिखाई देने लगे और देखने में सुंदर लगे। इसके लिए हम चक्कू से धीरे धीरे उसको साफ कर लेते हैं ताकि वो पूरी तरह साफ हो जाए। के बाद उस शीशी के ढक्कन पे, जो कि एल्युमिनियम का बना होता है, उसके पीछे लगे प्लास्टिक के कवर को हटा लेते हैं ताकि वो गर्म होकर चले नहीं। और उसके बाद उसमें एक सुई की सहायता से या कील की सहायता से इतना छेद कर देते हैं कि ताकि हमारा धागा उसके अंदर जा सके। जो धागा पूरी बोतल में डूबा होगा, ये धागा कोई सूतली भी हो सकती है या कोई नाड़ा भी हो सकता है या कोई कपड़े की लीर भी हो सकती है जो कि हम उसमें लगा सकते हैं। हम छेद के अंदर धागा डालेंगे और कोशिश करेंगे कि वो अच्छी तरह जाए, और जो धागे की लंबाई है वो इस तरह लेंगे कि पूरी बोतल में वो आ जाए, नीचे तक आ जाए और थोड़ा एक्स्ट्रा रहे ताकि चलने पे वो छोटा ना पड़े। अब इस धागे को लगाने के बाद इस रस्सी को इस बोतल के अंदर अच्छी तरह डाल देते हैं। अच्छी तरह डालने के बाद इस
उसके अंदर हम धीरे धीरे पूरा इस बोतल में डाल देते हैं ताकि ये पूरी नीचे तक डूब जाए। नीचे तक डूबने के बाद अब इसमें एक कीप की सहायता से मिट्टी का तेल डालते हैं। मिट्टी तेल के तेल को हम धीरे धीरे इसके अंदर डालते हैं ताकि मिट्टी का तेल बाहर फैले नहीं, और धीरे धीरे डाल के हम इसको पूरी भी भर सकते हैं या आधी भी भर सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पूरी भरी है या आधी भरी है, उसमें अच्छी तरह से मिट्टी का तेल डालते हैं और जब वो भर जाती है जितना आपके पास मिट्टी का तेल है, उसके बाद हम उस कीप को हटा के उस घाटे को यानी उस ढक्कन को उस पर बंद कर देते हैं। उसके बाद उस धागे को जो कि बोतल के अंदर है उसको थोड़ा ऊपर से गीला कर लेते हैं ताकि मिट्टी का तेल ऊपर टॉप तक आ जाए और उसकी बाहर की पत्तियों में भी आ जाए, ताकि वो हम जब मिट्टी तेल जलाएं तो उसमें आग जल जाए। अब आप देख रहे हैं हमने इसमें आँच लगा दी है और आँच लगाने के बाद काफ़ी बढ़िया रोशनी हो रही है और काफ़ी तेज चल रही है, और आप देख सकते हैं इस तरह हम एक लालटेन का जुगाड़ देसी जुगाड़ कर सकते हैं। अब हमने लाइट बुझा के दिखाई है, आप देखो आप कितनी रोशनी हो गई यहाँ पे। आप पीछे रखी हमें मिक्सी भी साफ दिखाई दे रही है, और यह रोशनी गांव के लिए बहुत अच्छी है जहाँ पे गांव में काफ़ी ज़्यादा पावर कट होती है और बच्चों की पढ़ाई का समय होता है तो बच्चे पढ़ नहीं पाते, उस समय घर में बिजली नहीं होती तो ये रोशनी हमारे लिए बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। इस तरह हम घर में बना सकते हैं, और आप लोग भी इसको इस तरह यूज करके अपने दैनिक जीवन के लिए बना सकते हैं, क्योंकि गाँव में काफ़ी ज़्यादा पावर कट होती है, रोशनी की कमी होती है। यह देसी इलाज काफ़ी समय से प्रचलित है जिसको मैं आप सबके लिए सामने लेके आया हूँ। हम बिजली के लिए सरकार पर निर्भर हैं, लेकिन सरकार की अभी इतनी हालत है नहीं कि हम सरकार से बिजली की डिमांड कर सकें, इसके लिए यह देसी तरीका आप सब लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। कृपया आप इस तरीके से अपने घर में रोशनी कर सकते हैं और आप अपने को स्वावलंबी बना सकते हैं। धन्यवाद।